पठानकोट शहर में एक ठग द्वारा लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों ने बताया है कि रमन नाम का एक व्यक्ति जो कि पोस्ट ऑफिस का एजेंट है, उसने लोगों को केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही स्कीमों में पैसा लगाने के नाम पर ठगी की है। इस ठगी के खिलाफ पीड़ित लोगों ने बताया है कि पहले उसने लोगों में अपना विश्वास बनाया और बाद में सभी को अपनी ठगी का शिकार बनाया। ठग रमन लोगों को आरडी की किस्त जमा करवाने के नाम पर रुपए ले जाता था, लेकिन किस्त जमा ही नहीं करवाता था। जानकारी मुताबिक ठग रमन ने लोगों के साथ लगभग 4 करोड़ तक की ठगी की है। मेरी 2 बेटियां हैं, तान्या महाजन और सौम्या महाजन। मेरे हस्बैंड हुने रीसेंट एक्सपायर हुए हैं। एक एजेंट सीगा रमन, उन्हें साढ़े को लै आरडियां लई पैसे असी उन्होंने देंदे सी डिपोजिट कराने लई। गुड फेथ थे कि तू साडे पैसे लै जा डिपोजिट करवा दे, वो लैके जाता रहा। पर जदों असी चैक करवाया उन्हां आरडीज च पैसे नहीं सी, सिर्फ इक्को ही किश्त उन्हें पहले जमा कराई हुई सी, अगे नहीं सी। जदों मैं पूछा कि तुसीं क्यों इदां कीता की है, कहिंदा उन्होंने पता बाद चो चलिया कि उन्हें सारिया फेक एंट्रीज कीतियां हुई सी। और जिहड़े पैसे डिपोजिट है सी सेविंग, मेरे और हसबैंड की ज्वाइंट सेविंग अकाउंट सी या मेरी बेटियां दे अलग अलग सेविंग अकाउंट से जो मैं लैके गई, उन्हां च ईच कॉपी च 521,656 सी। एक कॉपी च, यानी कि 2 कॉपी च 11,00,000 सी। और जो मैं उत्थे लै गई, एक च 32,000 है और एक च 24,000, और सारिया विदड्रॉल्स एंट्रियां पईयां होईयां। और मैं तो यह कहनी हां कि पोस्ट ऑफिस वालों की मिली भगत है। मिशन रोड वाली ब्रांच से गई सी मैं, आरडियां भी मिशन रोड वाली सी, उन्हां दी मिली भगत है। इदा कोई भी एजेंट या कोई भी तुसीं गुड फेथ ते किसी नूं पैसे दे सकदे हो? इदा नहीं दे सकदे ना। 50,000 तो 50,000 की तुम 100 रुपए भी कमान जाओ तो तुम फिर पता लगे। बिल्कुल मेरिया यंग हूँ बेटियां, मेरे हसबैंड भी एक्सपायर हो गया, यही मैं सारे पैसे रीइनवैसट किए। 20 साल की साड़ी कमाई सी पूरी, उधरों एजेंट वो लै गया। जे एजेंट तो जोड़ा लै गया वो तो एक अलग चीज़ है। पोस्ट ऑफिस वाले ने इदा विदड्रॉल किदा देते, उन्होंने पैसे दे सकता कोई? इस तरह पैसे नहीं दे सकता ना। वोद 2,00,000 की एंट्रीज, 2,50,000, 50,000, 75,000, मतलब कि हर एंट्रीज 50,000 तो उपर है। और मेरिया कॉपीज़ घर सी, मेरिया बेटियां घर सी, उन्होंने कोई पैसे विदड्रॉल नहीं कराए, उन्होंने किसी विदड्रॉल पेपर से साइन नहीं किया। मेरे वर्गे 20-22 लोग है, होर है देखो पिछे सिने किन्ने जने इतने। और सारे लगता है इदा सारा, मतलब जो एस्टीमेट है कि मतलब 3.5-4 करोड़ एटलीस्ट 4 करोड़ का घोटाला लगा है। 4 करोड़ का घोटाला किया। असी MLA साहब को आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिता है कि असी SSP नूं मैं दवांगा, SSP नूं रिकमेंड करके उन्होंने उन्होंने गल की। उन्होंने कहा कि सारा मतलब जो भी है हूँ उन्होंने पूरा डिटेल्स मैं नहीं दस सकती, उन्होंने पूरी गल साढ़े नाल की और आश्वासन दिता कि तुसी उन्होंने कहेंगे और अगे वो कार्रवाई करके साथ देंगे साढ़े पैसे। मेरे वर्गे कई ऐसे लोग हैं जिन्हों का उन्होंने फ्रॉड किया है। मैं अपना फ्रॉड दस रहा, मेरे मिसिज़ के अकाउंट के पिछले 1 महीने के 1.5 लाख की एक एंट्री निकली हुई है, कैश विदड्रॉ 50,000 की एक एंट्री निकली हुई है। मेरी मदर का अकाउंट है, वो उन्होंने कॉपी के रमन जिहड़ा एजेंट हैगा उन्हें अपने हाथ नाल एंट्रियां कीतियां, 4-4 लाख रुपए वो बैलेंस हैगा। जदों मैं स्टेटमेंट कढ़वाई है पोस्ट ऑफिस के बड़े ऑफिस तो, 1 च 87,000 रुपया बैलेंस है, 1 च 24,000 रुपया बैलेंस है, और बाकी का कोई पता नहीं वो पैसा कितने है। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी 100% शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि असं जो भी उन्होंने को जाने वो सानू कहें कापी लैके आओ, जे कापी हैगी है तो फिर सानू स्टेटमेंट नहीं कढ़ के देंदे ही। फिर जो असी उन्होंने धमकाया उत्थे जाके, उत्थे दी जिहड़े पोस्ट ऑफिस का हैड है उन्होंने धमकाया कि असी पुलिस को जा रहे हैं, असी मीडिया दे विच जा रहे हैं, तां जाके बड़ी मुश्किल नाल उन्होंने 2-3 दिन बाद सानू स्टेटमेंटा दित्तियां हैगियां। उस स्टेटमेंटा तो बाद सानू पता लग्गिया कि साडे नाल किन्ना धोखा होया, किड्डा वड्डा फ्रॉड हो चुका होया। अज MLA माननीय MLA साहब नाल असी मिले हैगे हैं, उन्होंने बड़ी आशा बंधी हैगी है साढ़े कि असी तुहाडे नाल हैगे हैं, और उन्होंने दस्या हैगा कि इस मैटर नूं सोल्व करना कोई एडा वड्डा घोटाला हैगा, क्योंकि जिस तरह हिंदू कोऑपरेटर का घोटाला ही उस तरह ही ये घोटाला नज़र आ रहा है। तो इनू SSP साहब, DC साहब ये सारे मिल के असी इनू इस मामले की तह तक जावांगे। जे पोस्ट ऑफिस वाले मिले हुए हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले जिन्हें भी इनवॉल्व हैगे हैं उन्होंने सारे कट गए, उन्होंने जे जो इनवॉल्व है उन्होंने सज़ा दी जाएगी,
और ए MLA साहब कह रहे हैं कि मैं थोड़ा तो पूरा का पूरा साथ दाँगा। एजेंट कितों का रहने वाला सी? एजेंट भदरोए का रहने वाला है, जी पुरानी कचहरी है बैकसाइड भदरोहा है उतों का रहने वाला है, और मेनली 80% लोगों के जो फ्रॉड किए भदरोए के ही है। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture, and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% eco-friendly, 100% moisture-proof, 100% termite-proof, excellent weatherability, sound-reducing, fire-retardant, recyclable and lightweight, जैसी खूबियों से भरी शीट्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें, रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट, कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540060113।